हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा गुप्ता, अगेन आप लोग का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो गाइस अब मैं वापस आ गई हूँ लखनऊ में। लखनऊ में आ गई और आपको कोई जगह नहीं दिखाया, अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं आज किरण दीदी और आज भैया के साथ जा रही हूँ जनेश्वर मिस्र पार्क, जो कि अभी तक वो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं। सोचा क्यों ना चलते हैं और उनको घुमाते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं अपने लखनऊ का जनेश्वर मिस्र पार्क। गाइस, बिना लेट किए चलते हैं दीदी के घर और देखते हैं दीदी रेडी हो गई है कि नहीं, और रेडी होती है तो मिलते हैं हम दोनों एक साथ आपको। गाइस, मुझे मिल गई है किरण दीदी और हम लोग निकल चुके हैं घर से, और रास्ते में है तरह ट्रैफिक, बहुत लंबा लगा हुआ है ट्रैफिक, तो हम लोग को जाना था किसी और वे में, पहुंच गए किसी और वे में। भाभी अच्छे से गाइड नहीं कर रही है हमें, रास्ता नहीं अच्छे से बता रही है, ऊपर से गूगल भी अच्छे से नहीं बता रहा है। भाभी मुझे क्या पता आगे क्या देख रहे हो आप? वीएलसी प्लेयर्स देख रहे थे, अच्छा खासा अच्छे जो अपने रोड पे खड़े थे और कहीं और ले आकर दिखा दिया। एक्चुअली हम लोग गप्पे हाथने में बिजी थे। नहीं नहीं, मुझे तो दिख रहा था। एक्चुअली देखो ना, डंडे लगे हैं, मुझे लगा ये ब्लॉक किया गया है रोड को। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जनेश्वर मिस्र पार्क और भैया अभी अंदर ही है। पता है आज तक मैं क्या सोचती थी? क्या? कि ये मिश्रा है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। आज पहली बार मिश्रा, जनेश्वर मिश्र पार्क। तो चलिए आपको भी पीछे की लोकेशन दिखाती हूँ, वो है हमारा जनेश्वर मिश्र पार्क। चलिए अंदर चलते हैं और बेबी को उठा, गार्डन घूमना है तो उठाना तो पड़ेगा या सोने देते, घूम कर आ जाते। ये भी किया जा सकता है, उसको पता भी उसके बाद चलेगा। उसके बाद वीडियो देखेगी, चिल्लाएगी हमें ले तो गए थे फिर हमें घुमाया क्यों नहीं। तो बेबी को ले लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो उधर आप देख रहे हैं जनेश्वर मिश्र पार्क, तो क्रॉस करते हैं ध्यान से इधर। ये रहा अपना जनेश्वर मिश्र पार्क, तो चलिए चलते हैं अंदर और इंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम लोग पार्क में पहुँच गए हैं, आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए भाई, मैं पूछ रही कौन सा गेम खेला जाए। ये देखिए गाइस, जनेश्वर मिश्र जी हैं। सर जी की प्रतिमा को देखकर दीदी के मन में ये आया कि कोई इनका ऐसा फैन जो इनकी प्रतिमा बनाए इतने प्यार और सम्मान से, तो दीदी बनवा लेगी है। इनकी इच्छाएं इतनी खतरनाक है, जो इनका फैन है वो इनकी प्रतिमा बनाए। ओ माई गॉड, पूरा जनेश्वर घूमेंगे, मन तो कर रहा है ऐसे चलने का, तो आलस में से आपके 10,000 स्टेप ना हो पाएंगे फिर जो आपने मुझे बोला। मैं तो करूंगी, चाहे यहाँ करूँ चाहे यहाँ से जाने के बाद अपने। अच्छा, आज करोगे? हाँ, आज मैं 10,000 स्टेप पूरे करूंगी। आप लोग इसके साक्षी हो, साक्षी हो, दीक्षा भी होगी तो चलेगा। और मैं पूरा, आज सूरज पश्चिम से कैसे उठ गया? एनर्जी मिल जाती है यार आप लोग के साथ रहने पर। अच्छा, अच्छा, कि मुझे भी 10,000 स्टेप पूरे करने हैं और वो मैं करूंगी, करके रहूंगी। तो पीछे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर होती है बोटिंग, इधर नहीं हो रहा है उस साइड हो रहा है, तो चलते अगर बोटिंग शुरू होगा तो हम लोग जरूर करेंगे। हाँ दी, करोगे? पक्का पक्का, हाँ करेंगे, बहुत मजा आता है बोटिंग करने में। घूमेंगे, मजे करेंगे, पूरा इंजॉय करेंगे। हाँ, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जनेश्वर आए हैं तो दोस्तों को जनेश्वर तो पूरा दिखाना है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितनी ढेर सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। भैया और अनिका आगे आगे जा रहे हैं, दीदी अपना व्लॉग शूट कर रही है और मैं भी अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। पाइन ये जो है पेड़ है, और भैया के लैंग्वेज में बताया तो गिरा हुआ पेड़। सब गिरे हुए हैं, तो गिरे हुए पेड़ों के बीच में भैया बैठे हुए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है भैया? ऑक्सीजन बहुत मिल रही है, ऑक्सीजन बहुत मिल रही है, लीजिए लेता हूँ ऑक्सीजन 2-3 दिन के लिए। तो ये गार्डन के अंदर एक अलग सा गार्डन है जहाँ पे बहुत ढेर सारा, पूरा एकदम, मतलब ये पार्क ही पूरी ग्रीनरी है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये पीछे का आप लोग देख रहे होंगे गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं और मैं नहीं बना पा रही, मेरे पास कोई एक लोग और होना चाहिए, बट कोई नहीं, आज डॉक्टर साहब नहीं है,
अब जब आएंगे तो उनको लेके आएंगे कि आइए थोड़ा हम दोनों मिलके रील्स बनाया करे, जैसे नेक्स्ट टाइम आएंगे। हाँ, जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग खाना लेकर आएंगे, खाना लेके आएंगे, चटाई लेकर आएंगे, चाय लेकर आएंगे और बिस्किट लेकर आएंगे और करेंगे एकदम मस्त वाली पार्टी, पिकनिक। और हम लोग आएंगे एटलीस्ट डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब आएंगे 1 बजे आ जाएंगे, उसके बाद पूरा अपना दिन होगा और शाम होगी। हाँ, एक गेम दीदी ने खेला और एक गेम मैं खिला रही हूँ और उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वैसे कहते थे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। क्या जा पैर 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 दोनों फिर इधर इधर एक इधर एक ये अब खड़े हो जा जय कन्हैया लाल भाभी ने बोला था मेरे साथ करेंगे, मेरे को करो जय के लिए। आपके बिना सपोर्ट किए थोड़े थोड़ी आती, अगर आपको उठाऊंगी पकड़ने वाला बैठ जाएगा कौन, हमको घर भी तो जाना है, थोड़ी उठा के गिर जाना है, निकाह से होना नहीं है भैया, करेंगे नहीं मैं कैसे उठाऊं आपको बताओ। आपको चाहिए वॉलंटियर, एक चाहिए, एक चाहिए है ना, बेबी अच्छा लगा। एक और बार करना है, अब नेक्स्ट टाइम बेबी, अब आगे चलते हैं। सो आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ इस गेम को क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो यही बोला जाता है, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। चलो कम से कम कोई झूला तो एंजॉय कर रहे हैं, वैसे तो कोई और पे बैठने की परमिशन नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन अभी गार्ड देख नहीं रहा है तो हम लोग झूल रहे हैं, गार्ड जैसे ही आएगा हम लोग उठ जाएंगे, भागेंगे बहुत तेज। तो यहाँ पर बेबी कटोरा झूला एंजॉय कर रही है। हाँ बेबी। तो हम लोग है ब्रिज पे और वापस घर के लिए जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जनेश्वर मिश्र जी की जहाँ प्रतिमा है, और फिर इससे निकल रहे हैं हम लोग बाहर। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा है और काफ़ी लोग अभी भी हैं यहाँ पर। ये शायद 8 बजे तक, कंफर्म नहीं हूँ, 8 बजे तक इसको खाली करवा दिया जाता है क्योंकि फिर ये बंद हो जाता है, तो इसीलिए अभी से जो लोग काफ़ी अंदर चले जाते हैं जहाँ पर फ्लैग वगैरह है तो वो वहाँ से अभी निकलना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी नहीं निकलेंगे तो वो यहाँ गेट तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर गार्ड को ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ लोग हैं। सो हम लोग तो निकल गए और बेबी दिखा रही है पप्पी, उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। सो अब हम लोग आ गए हैं बाहर, ये देखिए गाइस ये मेन गेट है, फर्स्ट गेट। तो बाहर आ गए, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर निकलेंगे घर के लिए। तो कैसा मजा आया बीबी? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया, सारे झूले झूले ना, सब कटोरा कटोरी सब कटोरा कटोरी। हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया, अभी अभी हम लोगों ने खाया गोलगप्पे, मजा आ गया। और अब हम लोग पियेंगे चाय, भैया गए चाय के लिए ऑर्डर देने, चाय पीने के बाद हम लोग खाएंगे मोमो जो कि वहाँ पे शॉप है, तो मोमो खाएंगे। दीदी खाओगी? हाँ खाते हैं, देखकर मन हो गया, चटोरे लोग तीन यहाँ पर, हम ही तीनों चटोरे हैं, बेचारे भैया गरम चाय पियेंगे। मैं चाय में बहुत टाइम है। अच्छा टाइम है ना, चलो मोमो खाते हैं, कम से कम आधा घंटा लगेगा, मोमो खाते फिर हम आपसे मिलते हैं। हम लोगों ने पहले प्लेन मोमो खाया, फिर ये देखिए फ्राइड मोमो बहुत मस्त बना हुआ है, बहुत टेस्टी है। चाय भी हम लोग की बन रही है, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब और भैया के एक दोस्त है अनुराग भैया, उनके घर पर तो चल रहे हैं, है ना दीदी? यहाँ पर हम लोग एक बार आए थे जब दीदी आई थी घर देखने के लिए, तो फिर भैया के यहाँ हम लोग आए थे, तब मैं व्लॉग नहीं करती थी, लेकिन अब मैं करती हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग आए अनुराग भैया के यहाँ और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हम लोग को सीढ़ियों से जाना है। विच फ्लोर, किस फ्लोर पर रहते हैं? फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं, लोग सीढ़ियों से जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, लिफ्ट कम यूज़ करना चाहिए और हम लोग कम यूज़ करते हैं, बस भैया की वजह से हम लोग को लिफ्ट यूज़ करना, लेकिन इधर तो भैया भी सीढ़ियों से ही चल, नहीं चलो 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 आ जाओ आ जाओ, नहीं लिफ्ट नहीं है, आते ही शुरू हो गए, लिफ्ट नहीं है क्या? हाँ मम्मी उठा।
सो सेकंड फ्लोर पे था, फोर्थ फ्लोर पे नहीं। और हम लोग आ गए हैं लेकिन इधर कोई नहीं है, और खुद ही आकर बैठ गए। ये देख कोई नहीं है, शायद अभी कोई आ रहा है। तो मिलते हैं आपको यहाँ से निकलने के बाद। सो गाइस, अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं। गए थे अनुराग भैया के यहाँ, कुछ देर रुके फिर वापस चले आए। तो बस अभी अभी जस्ट रूम पे पहुँचे हैं, और अभी भी अंडरग्राउंड में हैं, और डॉक्टर साहब ऊपर आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं। सो मैं भी जाती हूँ जल्दी जल्दी और डॉक्टर साहब से मिलवाती हूँ आपको। डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि सुबह में नहीं पढ़ पाए थे, इनको सुबह ही जाना था पीएससी। तो अभी लौटे हैं मेरे से 10 मिनट पहले, तो चलती हूँ डॉक्टर साहब के लिए चाय बनाती हूँ। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर, कमेंट जो है करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।